हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि टेरेस्ट्रियल वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं फॉर व्हाट वी यूज़ द वर्ड टेरेस्ट्रियल। सो द टेरेस्ट्रियल वर्ड इज़ यूज फॉर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑन लैंड और ग्रोइंग इन लैंड। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड में रह रहे हैं, यानी लैंड पे रहते हैं या फिर ग्रो होते हैं लैंड पे, जैसे कि प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं लैंड में और एनिमल्स हैं वो रहते हैं लैंड में, तो उनका हैबिटेट है लैंड, तो उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल और प्लांट्स कहेंगे। तो ये टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एनिमल्स में जैसे कि काउज हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स, लायन, टाइगर, एंट्स, स्पाइडर्स, माइस एक्सेट्रा, ये सब के सब, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो एनिमल्स, ये काउज हो, कैट्स हो, जो भी डोमेस्टिक या फिर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, टाइगर्स और लायंस, तो ये सारे के सारे लैंड में रहते हैं और इसलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, वाइन्स हो गया, ग्रासेज एंड हर्ब्स, तो ये सब के सब प्लांट्स जो भी टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अब ये लायन, ये को लायन फॉरेस्ट में घूमता है, माइस, चूहा, फिर जो ट्रीज है, जो भी फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं वो लैंड में उगते हैं, इसलिए उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। फिर स्पाइडर्स, वो भी लैंड में ही रहते हैं ज़्यादातर, यानी कि जो ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में ज़्यादातर जो लैंड में ही रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। अब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, मैन मेड हैबिटेट जैसे कि फार्म्स हो गया, टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, केव्स एंड माइंस आर द टेरेस्ट्रियल लैंड, या फिर आप कह सकते हैं लैंड हैबिटेट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जो जितनी भी प्लेसेस हैं ये इनके टेरेस्ट्रियल यानी हैबिटेट्स है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और ये इधर ग्रो होते हैं, रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया वो इधर ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट हो गया जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज ग्रो करते हैं, फिर डेजर्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ग्रासलैंड में भी कीड़े रहते हैं जैसे कि ग्रास होपर, वो सब, तो ये सब है टेरेस्ट्रियल का मीनिंग। आप देख सकते हो फॉरेस्ट में ट्रीज रहते हैं, ट्रीज मतलब उगते हैं, ग्रो करते हैं, और सिटीज़ में हम ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, केव्स, जो केव्स हमने ह्यूमन ने मैन मेड बनाई है उनके, उसमें आपने देखा होगा बैट्स रहते हैं, इतने सारे और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसलिए वो सब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुए। और वैसे मैंने एक एक्वेटिक पे भी वीडियो बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, तो इसका अपोजिट होता है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइडिक यानी साइंस डिक्शनरी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।